यह वीडियो एमएस एक्सेल 2016 पर आधारित है, लेकिन इसकी सहायता से आप एमएस एक्सेल 2007, 2010, 2013 पे भी कार्य करना सीख सकते हैं, क्योंकि एमएस एक्सेल के सभी वर्जन्स का मूल कंसेप्ट एक ही है। अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन्स आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं, कुछ नए फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, पर बेसिक फीचर्स वही रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करना। एमएस एक्सेल 2016 के क्विक एक्सेस टूल बार की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम आपको बताएंगे कि आप क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें अन्य ऑप्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू बार के ऊपर लेफ्ट साइड में होता है, जैसा कि इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी जिससे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकें या जिस पर हम तुरंत पहुंच सकें। इस टूल बार में वे कमांड रखे जाते हैं जिनकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। इसमें पहले से तीन कमांड होती हैं। सबसे पहले होता है सेव, उसके बाद में होता है अंडू का कमांड, और यहाँ पे लास्ट में होता है रीडू का कमांड, और सबसे लास्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो के आ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन ऑप्शंस में टिक मार्क लगे हुए हैं, जैसे सेव, अंडू और रीडू। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन कमांड्स आपके इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड है, जिस भी ऑप्शंस पे यहाँ टिक लगे हुए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई और कमांड ऐड हो जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये चाहते हैं कि न्यू का कमांड इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक न्यू कमांड आपके सामने में ऐड हो गया। अब आपको बार बार जो है यहाँ पे फाइल में न्यू कमांड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पे जैसे ही आप न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने में एक नया डॉक्यूमेंट जो है ओपन होके आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ऐड किए हुए ऑप्शंस को क्विक एक्सेस टूलबार से हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जिस भी ऑप्शंस को आपने वहाँ पे ऐड किया था वो वहाँ से हट जाएगा। आइए अब हम कुछ और कमांड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मोर कमांड्स का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए एक मेन्यू जो है आपके सामने में ओपन होके आ गया। इसको मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसके बारे में। चूँकि हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शंस ओपन हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जिस भी ऑप्शन को आप उस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं आपने उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि इसमें से एक कॉपी का कमांड जो है वहाँ पर ऐड हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी के कमांड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे चूँकि पहले से तीन ऑप्शन यहाँ पे ऐड थे, अब हमने यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन को ऐड किया है तो यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन ऐड हो गया। उसी तरीके से आप जितना चाहें उतना कमांड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक ऑप्शन कट का आ जाए, तो मैं यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं, हम उसे भी यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का, मैं चाहता हूँ कि ये भी ऑप्शन जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए, तो यहाँ पर जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सेट प्रिंट एरिया ये कमांड भी ऐड हो जाए, तो यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐड करने के बाद में आप उस ऑप्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो कट का ऑप्शन है या फिर जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड किए हैं
उनमें से कोई ऑप्शन वहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी ऑप्शन को आप हटाना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ पे जो ऑप्शन था वहाँ से हट गया, यानी रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अप का एरो मिलेगा और यहाँ पे एक डाउन का एरो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है उनको आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं चाहता हूँ ये जो कॉपी का ऑप्शन है ये सेव के ऊपर चला जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉपी का जो ऑप्शन है ये सेव के ऊपर चला जाए। तो हम लोग यहाँ से जो है मूव अप कमांड का यूज़ करेंगे। अब तब तक क्लिक करेंगे जब तक कि वो कमांड वहाँ पे चला ना जाए। अब जो है ये कमांड सेव के ऊपर चला गया। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि ये अंडू कमांड जो है कट के बाद में आ जाए, तो आप ये वाला जो कमांड है मूव डाउन का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो कमांड है ये कट के नीचे आ गया। सब कुछ करने के बाद में आप जो है उसको सेट करना चाहते हैं फाइनली, तो आपको जो है यहाँ पे ओके बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके बटन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शंस आपने वहाँ पे ऐड किए थे वो जो है यहाँ पे ऐड हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शंस आपने यहाँ पे ऐड किए हैं उसका टिक भी यहाँ पे वो शो हो रहा है। तो यहाँ से भी जो है आप अगर चाहते हैं कि वो नहीं रहे वो कमांड, तो यहाँ से आप उसको अनटिक करके आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में जो ऑप्शंस हमने यहाँ पे ऐड किए हैं उन ऑप्शंस को ऐड करने का एक और तरीका है, उस तरीके को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग टैब्स में जो ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शंस आपको अगर वहाँ पे ऐड करने हैं तो आप यहाँ से भी जो है उन ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा आप देख पाएंगे कि वो जो ऑप्शंस जो टेक्स्ट बॉक्स का था वो क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया। अब हम लोग कुछ और कमांड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सो बिलो द रिबन। इसका मतलब ये हुआ कि क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी टूल्स हैं अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो है इस रिबन के नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, जितने भी टैब्स बने हुए हैं यहाँ पे इस टैब के नीचे आ जाए, तो आपको यहाँ पे सो बिलो द बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया वो सारे ऑप्शंस क्विक एक्सेस टूल बार के इस रिबन के नीचे आ गए, बिलो में यानी कि उसके डाउन में आ गए। अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से ये ऑप्शंस जहाँ पे था वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखिए जहाँ पे आपके ऑप्शंस थे पहले सारे ऑप्शंस वहीं पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शंस को आप शॉर्टकट की के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, उसके लिए जैसे जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं शॉर्टकट की के द्वारा, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए जितने भी क्विक एक्सेस टूल बार हैं इसमें नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, और जो भी टैब्स यहाँ पे ओपन हैं
उस टैब्स में यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखे, और जैसे ही मैं 6 बटन को प्रेस करूँ तो वो ऑप्शन सामने आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बटन को प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप 6 बटन को प्रेस करेंगे, देखिए वो उसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो यहाँ पे ओपन होके आ गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है, और जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर को कीबोर्ड से प्रेस करना है। डेफिनेटली वो ऑप्शंस जो हैं अप्लाई होता हुआ दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर से आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, जितने यहाँ पे ऐड होते जाएंगे लास्ट जो है वो 09 तक जाएगा, फिर उसके बाद में जो है 08, 07, ऐसे करके वो सीरियली आगे जाता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्विक एक्सेस टूल बार के सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।